वेलकम टू ट्यूटर ममता ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको वीडियो एडिटिंग की बेसिक जानकारी देंगे, यानी इंसर्ट एडिटिंग और ओवरराइट एडिटिंग किस प्रकार की जाती है, और इसके साथ साथ आपको FCP की टाइमलाइन विंडो में पैच पैनल किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में भी बताएंगे। आप बारी आती है एडिटिंग कैसे शुरू करें। एडिटिंग शुरू करने से पहले आपको हमने जो आपको ये पैच पैनल है, ये पैच पैनल भी इस पैच पैनल बेसिकली है, इस पे काम करते हैं। आप यहाँ पर क्या है, वीडियो ट्रैक और ऑडियो ट्रैक। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, नॉर्मल बीस पे लाने से पहले हम आपको थोड़ा सा वीडियो कैसे आता है वो बताते हैं। टाइमलाइन पे वीडियो लाने के लिए हमने आपको बताया कि आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर सेलेक्ट करें, इन आउट लगाएं, F9 या F10 दबाएं और यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर तो देखिए, इसमें वीडियो में ऑडियो ट्रैक भी है और वीडियो ट्रैक भी है। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो वीडियो ट्रैक है B1 पे आया और ऑडियो ट्रैक A1 और A2 पे आया जी। अब ये कैसे काम करता है? ये केवल काम करता है इन दोनों, ये जो पैच पैनल है ना, ये A2, ये स्मॉल में B1, A1 और A2 है, इस पर काम करता है। दो चैनल का ऑडियो, एक चैनल का वीडियो, इसमें वीडियो एक ही चैनल होता है, वीडियो एक ही, वीडियो का एक ही ट्रैक होता है सदैव, एक से ज़्यादा। हम यहाँ पर कई सारे ट्रैक बनाते हैं। अब ये कैसे पैच पैनल कैसे काम करता वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, F9 और F10 में क्या अंतर होता है। अभी तक आपने नहीं देखा होगा, F9 F10 एक जैसा लगता होगा आपको। F9 F10 क्या है, जैसे हम यहाँ पर तक हम यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, इस पे अब यदि हम लेकर के आते हैं F9 F10 से, तो आपको कोई फर्क यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन यदि आप कहीं बीच में करते हो, यहाँ पर भी फर्क दिखाई पड़ेगा। देखिए F9 करते हैं तो ये देखिए आगे खिसक जाता, देखिए। और यदि F10 करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। यही चीज यदि हम यहाँ बीच में यहां पर F9 करते हैं तो इसने क्या किया कि जहां पर प्ले हेड था, ये जो इन आउट लगा हुआ भाग उस एरिया पे आ जाता है और उसके आगे का भाग आगे की ओर खिसक जाता है। मतलब ये क्या करता है, अपने लिए स्पेस स्वयं क्रिएट कर लेता है। अच्छा। और यदि आपने F10 किया है तो F10 क्या कर रहा है, वो तो सारा गायब ही कर दिया अपने आगे पीछे। यही चीज है, F9 को बोलते हैं इंसर्ट और F10 को बोलते हैं ओवरराइट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आप कहीं पर इंसर्ट करते हो, ये जो प्लेहेड जिस एरिया में होगा, जैसे हम यहां पर भी रखेंगे, तो यदि आपने इस एरिया पर प्लेहेड और आपने F9 प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, ये इसी एरिया से आपके उस क्लिप को काट देगा और उस प्लेहेड के आगे के पार्ट को आगे और खिसका देगा, और जगह पे उतना एरिया में जितना एरिया आपने यहां पर इन आउट लगा रखा होगा ना व्यूअर में, उतने एरिया की क्लिप आपके टाइमलाइन पे आ जाएगी, बीच में खुद ही लगा देगा, ऑटोमेटिक लगा देगी, और प्ले हेड के आगे के पार्ट को जितना भी होगा उसको वो उतने ही फ्रेम जितना आपने इंसर्ट किया है उतने ही फ्रेम आगे की ओर खिसका देता है। ठीक सर। ओके। और यदि आपने यहाँ पर F10 कर दिया ओवरराइट, ओवरराइट का मतलब है किसी के ऊपर आ जाना, इंसर्ट का मतलब होता है घुस जाना, ओवर राइट का मतलब है किसी के ऊपर चढ़ जाना, रिप्लेस हो जाना, चढ़ जाना, मतलब रिप्लेस कर देना। ठीक है। तो हम यहाँ पर यदि F10 करते हैं तो वो क्या करेगा, यदि उस आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन, अब यहाँ इसको थोड़ा मैं बड़ा करके अब F10 करते हैं तो आप देखिए क्या F10 में क्या होता है, आपकी टाइमलाइन पर ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ती, लेकिन जितना एरिया आने वाली क्लिप के एरिया के अंदर आ जाएगा उतनी सारी क्लिप को वो डिलीट कर देगा, ओवरराइट कर देगा, वो ओवरराइट कर देगा। ठीक है। तो इसलिए F10 और F9 में ये अंतर है, F9 मींस इंसर्ट और F10 मींस ओवरराइट। इसलिए हम लोग सदैव जब रफ कट लगाते हैं तो हम F9 का यूज करते हैं जी, और जब पैकेज एडिट करते हैं तो ओवरराइट का यूज करते हैं। जब हम यहां पर कोई पैकेज देखते तो आप देखते हैं उसके नीचे वॉइस ओवर होता है। अब यदि हम यहां पर F9 कर देंगे तो वो तो क्लिप को आगे खिसका देगा, बिल्कुल वीडियो के नीचे आडियो तो आएगी नहीं। हमें तो चाहिए वीडियो, चाहिए
और ऑडियो दूसरा चाहिए, तो यदि हम इंसर्ट करेंगे तो उस वॉइस ओवर को तो आगे खिसका देगा वो, तो उसके ऊपर आएगा ही नहीं। जी जी। इसलिए जब हम शॉर्ट काट काट के टाइमलाइन पे रखते हैं तो हम F9 का यूज़ करते हैं इंसर्ट का, और जब हम ओवरलैपिंग से साथ वो यूज करते हैं ऑडियो किसी और का वीडियो किसी और का, तो हम लोग सीधा ओवरराइट का यूज़ करते हैं, F10 यूज़ करते हैं। हाँ ठीक। माउस द्वारा जब टाइमलाइन बनाते हैं तो भी इंसर्ट और ओवरराइट दोनों ही मोड काम करते हैं, वह मैं बताऊँगा कैसे, कब इंसर्ट काम करता है कब ओवरराइट काम करता है माउस के थ्रू, लेकिन पहले इंसर्ट और ओवरराइट आप समझ लो। अब बारी आती, हमने बताया कि आपको जब पैकेज एडिट करते हैं तो हम यूज करते हैं F10 का। आपको घर के वाटर एम्यूजमेंट पार्क में पानी की फुहार। अब हमको एडिट करते समय एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां पर हम नॉर्मली कोई भी क्लिप अभी लेकर के आते हैं फिर हम बताते हैं एडिट कैसे करते हैं। यदि हम यहां पर F10 कर देते हैं तो अब आप देखिए इसकी वॉइस ओवर डिलीट हो गया, इसके क्लिप का ऑडियो भी रखना है, वॉइस ओवर भी रखना है और वीडियो भी रखना है, तीनों चीजें रखनी है। लेकिन यहां पर क्या है कि वो उसको ओवरलैप कर दे रहा है। अब यहां प्रॉब्लम ये है, जब हम F9 F10 कर रहे हैं तो F9 F10 के साथ जो वीडियो है इसके साथ की ऑडियो भी आ रही है। हाँ। और वो भी A1 और A2 पे आ रही है। बिल्कुल। और आपका ऑडियो भी A1 A2 पे पड़ा हुआ है। जी सर। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ऑडियो को A1 A2 से हटा दो, हाँ, A3 पे लाओ, A3 पे लाओ, या इसका ऑडियो ही लेके मत आओ। बिल्कुल। और तीसरी कंडीशन होती है, या इसके ऑडियो का ट्रैक चेंज कर दो। ऑडियो का ट्रैक मतलब अभी ये A1 A2 पे आ रहा है, या A1 A2 पे ये ना आए। बिल्कुल। आप कैसे ये काम करता आप देखिए, इसका ट्रैक कैसे चेंज करते हैं वीडियो और ऑडियो का। जी सर। हम यहाँ पर ऐड ट्रैक करते हैं, एक ट्रैक ले लेते हैं। हाँ। ठीक है। अब ये डिसाइड होता है कि ये जो वीडियो आने वाला वीडियो है किस ट्रैक पे आएगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो जैसे आप रेलवे की पटरी में नहीं होता कि आप ट्रैक बताते हैं ट्रेन किस ट्रैक पे जाएगी। हाँ। उसी तरह हमको भी बताना होता है कि जो आने वाला वीडियो या आने वाला ऑडियो किस ट्रैक पे जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक पैच पैनल का सहारा लेना पड़ता है। अब हम चाहते क्या है कि ऑडियो आए ही ना, तो हम क्या करते हैं इसको हम अनलिंक कर देते हैं। देखो अनलिंक हो गया। अब हम क्या करते हैं F9 करते हैं, केवल देखिए वीडियो आ रहा, ऑडियो आना बंद। यदि हम चाहते हैं केवल ऑडियो आए तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, अब F9 करें तो केवल ऑडियो आ गया। राइट। दोनों चीजें समझ में आ गई। यदि हमको केवल वीडियो लाना है केवल ऑडियो लाना तो ये कंडीशन है। यदि आप हमको दोनों चीजें लानी है लेकिन अलग अलग ट्रैक पे लानी है, A1 A2 पे ऑडियो नहीं आनी है और B1 पे वीडियो नहीं आना है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से, इसको इसके साथ पैच कर देंगे, इसके साथ लिंक कर दिया। तो अब ये लिंक हो गया B1 B2 के साथ। इसी तरीके A2 को उठा करके हमने A4 पे अटैच कर दिया और A1 को उठा करके इसको हम A3 पे अटैच कर दिया। यदि हम अब इस कंडीशन में F9 करते हैं या F10 करते हैं तो अब आप देखिए आपका B1 B2 पे आ गया और ऑडियो A3 और A4 पे आ गया। जी सर। अब जब हम यहाँ वॉइस ओवर एडिट करने लगते हैं तो हमारे सामने दो वही तरीका है। हम क्या करें, A1 और A1 A2 पर यदि आपने वॉइस ओवर रखा हुआ है तो आपके पास A3 और A4 खाली है ट्रैक, उस पर तो कुछ है नहीं। तो आप क्या करें, आने वाली क्लिप के लिए हम उसको A3 और A4 को असाइन कर दें कि भैया जो आप ट्रैक वीडियो के साथ जो ऑडियो आना है तो आप A1 A2 पे ना करके A3 और A4 पे आओ। इसलिए हम यहाँ पर इसको B1 कर रख देते हैं और यहाँ अब इस जगह पर वॉइस ओवर पे जाते हैं और यहाँ अब F10 करते हैं। अब आप देखें F10 जब कर रहे हैं आपका ये ऑडियो भी बचा हुआ है और ये ऑडियो ट्रैक भी आ गया, लेकिन बजेंगे तो ये सारे एक साथ। हाँ, सारे बजते हैं। इसी तरीके से आप देखो वॉइस ओवर म्यूजिक भी बजता है, एम्बियंस भी बजता है और वॉइस ओवर भी बजता है। अब उसके लिए हमने जो आपको बताया ऑडियो लेवल कम करने के, यदि आप यहाँ पर सब सुनते हैं अब देखिए आपकी ऑडियो बड़ी गड़बड़ा से ना आ रही है, आपकी एम्बियंस गड़बड़ कर रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। थोड़ा सा रखना है तो थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। आप इससे ऑडियो लेवल से एडजस्ट कर सकते हैं कि ये जो है कितनी रहेगी। अब वो एक नेचुरल साउंड भी सुनाई दे रहा और वॉइस ओवर भी सुनाई दे रहा,
और वीडियो भी दिखा। इसी तरीके से यदि आप म्यूजिक भी लगाना चाहें हाँ। तो आप यहाँ पर नया ट्रैक ऐड कर ले, अच्छा, और इसके नीचे आप जो है ना म्यूजिक लगा, म्यूजिक लगा दें। जैसे आप फोटोशॉप में अब लेयर बनाते हैं, लेयर टू लेयर, बिल्कुल बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी लेयर टू लेयर होगा। अब उसमें देखने के लिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी का यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी वीडियो ट्रैक में जब जाएंगे तो यदि आपको दूसरा ट्रैक देखना है तो ट्रांसपेरेंसी या कंपोजिट मोड का ही यूज करते हैं। सेम लेयर सिस्टम जो आपने फोटोशॉप में यूज किया है वही पूरा सिस्टम आपको यहाँ पर ऑडियो और वीडियो में भी काम करता है। अच्छा, इसमें ऑडियो में कितने ट्रैक इंसर्ट किए जा सकते हैं? 99 ट्रैक्स। और वीडियो में? 99। 8-10 लेयर पे तो हम लोग नॉर्मली काम करते ही हैं। अच्छा, 8-10 लेयर में आप साउंड के 2 ट्रैक ले लेंगे, एक वीडियो का ले लेंगे, 3-4 पे खत्म हो जाना चाहिए। 8-10 ट्रैक, 6 ट्रैक तो ऐसे, 6-8 ट्रैक तो ऐसे चले जाते हैं। देखो, 2 ट्रैक एंबियंस के लिए, क्योंकि डबल लेयर चलती है ना एक साथ, ठीक है, 2 लेयर हो गई आपके एम्बियंस के लिए, 2 ट्रैक हो जाते हैं वॉइस ओवर के लिए, 2 ट्रैक हो जाते हैं म्यूजिक के लिए, 2 ट्रैक जाते हैं साउंड इफेक्ट के लिए, जूम जाम जीम होता है ना ये सब कुछ, वो सब 8 ट्रैक तो वीडियो ऑडियो के चल जाते हैं। इसी तरह वीडियो के क्या होता है, जब वीडियो आप रखते हैं तो वीडियो रखते हैं, जैसे आप डबल विंडो बनाया, 4 विंडो बनाया, जब 4 विंडो आप बनाते हैं, जैसे 4 विंडो आपने वीडियो बनाया तो 4 लेयर तो वीडियो की हो गई, बिल्कुल एक ग्राफिक्स की हो जाती है 4 लेयर पे, उसके बाद चारों लेयर के नाम, तो 9 ट्रैक यूज हो जाते हैं। जितना मसाला डालोगे उतने ट्रैक और लेयर बनेंगे। अब उसमें आप लेयर जैसे टेस्ट है, अब ऊपर एक और बैंड आपने बैंड लगा दिया तो 2 लेयर, एक बैंड के लिए और एक उसके लिए टेस्ट के लिए, तो आपके 10 ट्रैक यूज हो गए। बिल्कुल हो जाए, अभी मुझे इतना ही दिख रहा है कि 3 पे खत्म हो जाने चाहिए दुनिया। दुनिया तो बहुत बड़ी है, जितना माल डालोगे उतनी। तो इतनी लेयर्स जब आप यूज करते, जैसे आप फोटोशॉप में ऐसे थोड़ी आप करते, फोटोशॉप कितनी लेयर, ग्रुप के अंदर 40 लेयर यूज करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।